फ्रेंड्स आज यह छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक PIR मोशन सेंसर लैंप्स, दैट मींस कि ये मोशन पर ऑपरेट होने वाली चीज है। जैसा आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटे लैंप्स हैं, देखने में भी क्यूट लगते हैं और एक्चुअल में इनका वर्किंग भी स्मार्ट है। वीडियो को फ्रेंड्स एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में जो लाइट दिखाने वाला हूं वो बहुत ही जबरदस्त है। ये चारों PIR मोशन लाइट्स में दोस्तों दो टाइप के लाइट्स हैं, एक जो बैटरी पर चलते हैं और एक जो AC पावर पर चलते हैं, इसीलिए आपको दो लाइट्स के पीछे प्लग जैसा सिस्टम दिख रहा है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चारों के चारों PIR मोशन सेंसर है, यानी पैसिव इंफ्रारेड मोशन सेंसर्स हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली इनका जो रेंज है वो है 10 फीट का और इसका जो डिटेक्टिंग एंगल है दैट इज 120 डिग्रीज। ये ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं जैसे ही मोशन डिटेक्ट होती है और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं व्हेन देयर इज नो मोशन। और एक बेहतरीन चीज जो इसके अंदर है दोस्तों, वो है डे एंड नाइट सेंसर, दैट मींस कि ये सिर्फ नाइट के टाइम ही वर्क करेंगे। सो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि दिन में भी ये लाइट ऑन करेगा क्या। नहीं, ABS प्लास्टिक के हैं दोस्तों चारों के चारों। अगर मैं टाइमर की बात करूं तो इसके अंदर एक बार मोशन डिटेक्ट होने के बाद आफ्टर 20 सेकंड्स द लाइट्स विल टर्न ऑफ, दैट मींस आपको खुद से इसे ऑफ या ऑन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और सॉफ्ट है जिससे आंखों को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। कहां कहां आप इसे यूज कर सकते हो तो फ्रेंड्स, किचन में यूज कर सकते हो, उसके बाद में बेडरूम में भी लगा सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, रात में अगर आप उठते हो बाथरूम या वॉशरूम जाने के लिए तो उस समय में ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। मैं खुद ये लाइट मेरे घर में यूज करता हूं फ्रेंड्स, एंड दिस लाइट ट्रस्ट मी वर्क्स एग्जैक्टली हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड। आप छोटे बच्चों के रूम में इसे लगा सकते हो, हॉल में लगा सकते हो, बाथरूम, किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, क्लोजेट, वार्डरोब, कैबिनेट, बेसमेंट, स्टेयर्स, कॉरिडोर, बाप रे बहुत सारे एप्लीकेशंस है फ्रेंड्स इसके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बैटरी ऑपरेटेड वाले दो PIR मोशन सेंसर लाइट्स। तो फ्रेंड्स यहां पर ये जो सबसे पहला है उसके अंदर हमें डालनी है 3 AAA बैटरीज। इसकी बैक साइड से स्लाइड करके ओपन करनी होती है और यहां पर बैटरी प्लेसमेंट यूनिट है, उसके अंदर मैंने डाल दी है 3 AAA बैटरीज। इसका कवर लगा देता हूं मैं वापस। अब यहां पर कवर के पीछे आप देख सकते हो कि 3M की डबल साइडेड टेप्स लगी है, सो यू कैन स्टिक इट एनीवेयर यू वांट। अभी इसकी अगर वर्किंग देखनी है तो रूम में थोड़ा अंधेरा करना पड़ेगा, तो चलो इसे देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। अमेजिंग फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले कहा था, दिस प्रोडक्ट्स वर्क परफेक्टली एज डिस्क्राइब्ड। तो ये था ये छोटा वाला। अब बड़े वाले की बात करते हैं। जैसे छोटे वाले में आपको एक भी स्विच नहीं दिया था, बट बड़े वाले में आपको एक स्विच पीछे मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप एक तो इसे ऑटोमेटिक मोड पर डाल सकते हो या फिर सीधा ऑफ कर सकते हो व्हेन नॉट इन यूज। ये फंक्शन हमें पहले वाले इसमें नहीं देखने को मिला, बट एनीवेज दे आर मोशन सेंसर लाइट्स। तो इसमें बैटरी डालने के लिए आपको इसे ऐसे स्लाइड करके ओपन करना है। ओ तेरी, इसमें तो 4 AA बैटरीज डालनी है। थैंक गॉड मेरे पास है और आपको भी खरीद लेनी है। अगर आपको ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप चाहिए तो उसके लिए आप ड्यूरासेल बैटरीज यूज करो। कूल, लाइक यू कैन सी कि कितना सॉफ्ट यहाँ पर ये लाइट है और रात के टाइम भी एकदम परफेक्टली इल्यूमिनेट करता है पूरे स्पेस को, थैंक्स टू ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक्स PIR मोशन सेंसर लाइट्स। वेल, उनके पास बहुत सारे मोशन सेंसर्स, होम ऑटोमेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो क्यों ना आप ऊपर की प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लो। तो ये था फ्रेंड्स सेकंड प्रोडक्ट। नाउ वी विल शिफ्ट टू द AC प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अभी देखते हैं कि इसमें एक गोल वाला लाइट है जिसके अंदर लगी हुई है सिंगल SMD LED और यहाँ पर ये जो ब्लैक चीज आप देख रहे हो वो एक्चुअल में डे एंड नाइट सेंसर है। यहाँ पर ये है PIR मोशन सेंसर और इसकी भी बनावट कुछ वो स्क्वायर वाले जैसी ही है, बट ये सर्कल में है। तो इसे सीधा आपको कुछ नहीं करना है, प्लग करना है, ऑन करना है और मजे उठाने हैं। तो चलो इसका भी वर्किंग देख लेते हैं। अमेजिंग फ्रेंड्स, सिंगल लाइट है बट नाइट के टाइम इट्स सफिशियंट। SMD LEDs की खासियत ही यही होती है फ्रेंड्स कि ये ब्राइट होते हैं। तो चलो ये था बहुत ही सिंपल, इसमें कोई बटन आपको मिलने जाता है, डिजाइन भी बहुत ही अच्छी है और लुक वाइज एंड वर्किंग वाइज बेहतरीन। उसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने बताया था आपको स्पेशल वाला PIR मोशन सेंसर लाइट, तो ये है वो। तो अभी इसमें आप डिजाइन तो सबसे पहले देख लो, ये 230 वोल्ट्स पर तो चलता ही है, बट ये एक स्क्वायर डिजाइन है, मस्त सा एक स्क्वायर आपको यहाँ पर डिफ्यूजर मिल जाता है। वार्म व्हाइट कलर की लाइट है जो आंखों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। यहाँ पर मोशन सेंसर लगा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर लगे हुए दो स्विचेस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर ये जो स्विच है दैट इज अ टू वे स्विच, दैट मींस आइदर यू कैन टर्न ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन नॉट इन यूज, टर्न ऑन द प्रोडक्ट जिस समय ये PIR मोशन सेंसर पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको इसे मोशन पर ऑन ऑफ नहीं करवाना है तो उसके लिए आप इसे सिंपली ऑन करवा सकते हो परमानेंटली। अगर आपको मोशन पर ऑन करवाना है तो आप इसे ऑटो पर डाल दो, जैसे ही आप इसे ऑटो पर डालोगे वैसे ही PIR मोशन सेंसर आ जाएगा गेम में और ये आपके मोशन के अकॉर्डिंग ही लाइट को ऑन एंड ऑफ करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्लाइडर स्विच हमें मिल जाता है जो जैसा इसके ऊपर इमेज दिया है उस पर से आप इजीली गेस कर सकते हो कि एक ब्राइटनेस कंट्रोलिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये है मैक्सिमम ब्राइट
ब्राइटनेस और यहाँ पर ये है मिनिमम ब्राइटनेस। तो जैसे ही आप इसे स्लाइड करते हो तो लाइट का ब्राइटनेस एडजस्ट होता है। ये फंक्शन बाकी किसी भी पीआर मोशन सेंसर में देखने को नहीं मिलते हैं। सो दैट मेक्स दिस पीआर मोशन सेंसर आउटस्टैंडिंग। बट ओवरऑल बात करूं तो चारों के चारों बहुत ही जबरदस्त पीआर मोशन सेंसर है। अगर आपको इन चारों पीआर मोशन सेंसर में से कोई भी एक खरीदना है या चारों खरीदने हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है ब्लैकली इलेक्ट्रोटेक का, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, तो आप वहां पर जाइए और इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर दीजिए। और फ्रेंड्स ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए भी ऑटोमेशन ड्यूड को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना।